Uh, next question question says an engine takes uh, in 5 moles of air at 20 degree centigrade uh, and at 1 atm and compresses it uh, adiabatically to 1 tenth of the original volume अज्यूमिंग एयर टू एयर टू बी डाटोमिक आइडियल गैस मेडअप ऑफ रिजिड मॉलिक्यूल्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस कम्स आउट टू बी एक्स किलोजूल अब हमें बताना है एक्स की नियरेस्ट इंटीजियर वैल्यू क्या होगी ना सवाल आसान है थोड़ा सा यहाँ पर थर्मोडाइनम से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर चाहिए सो so, सबसे पहले तो यह है आपने को दिया हुआ डाइटोमिक गैस है डायाटोमिक गैस है यानी कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइव हो जाएगा और गामा अपने को पता है इसको हम सेवन बाई फाइव लिख सकते हैं ठीक है यह आपका ये आ जाएगा और अपने को ये बात भी पता है कि इसके लिए हम इक्वेशन ही नहीं लिख सकते हैं टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन वुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, विच मीन्स टी वन डिवाइडेड टी वन वी वन गामा टू दी पावर माइनस वी टू दी पावर गामा माइनस वन विल बी इक्वल टू टी टू वी टू दी पावर गामा माइनस वन वी टू ये हो जाएगा सो right. so, अपना जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वी है फाइनल वॉल्यूम आपका वन टेंथ हो गया टेम्परेचर अपने को यहाँ पे दे रखा है सो so, इसको अगर हम यूज़ करें तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी टू जो है दैट विल बी इक्वल टू टी वन मल्टीप्लाइड बाय वी वन टू पावर गामा माइनस वन गामा की वैल्यू है सेवन बाय फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय वी नॉट ये हो गया वी नाट डिवाइड बाय टेन टू दी पावर सेवन बाय फाइव माइनस वन नाव uh, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका टी टू जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी विच एम्प्लाइज टी टू विल बी इक्वल टू टी वन टेन टू पावर टू बाय फाइव ठीक है ये आपकी uh, इसकी वैल्यू आ जाएगी नाओ इस केस में हमें डेल्टा uh, यू की कहानी करनी है सो डेल्टा यू जो आपकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है उसको हम लिखते हैं हाफ एफ एन आर डेल्टा टी राइट सो इसकी वैल्यू लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि गैस अपनी डायटोमिक है सो so, इसको हम फाइव लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय यहाँ जो अपने को दे रखा है फाइव मोल्स हैं तो है आपका फाइव हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय आर जो है आर की वैल्यू यहाँ पे हम ऐट पॉइंट थ्री वन भी लिख सकते हैं या फिर उसको हम ट्वेंटी फाइव बाई थ्री भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी ना डेल्टा टी विल बी इक्वल टूट सो यह आएगा आपका टी वन मल्टीप्लाइड बाई और जब इस टी टू में से टेन टू दावर टू बाई फाइव माइनस वन ये आपकी वैल्यू रहेगी और ये जो टी वन है इसकी वैल्यू आपकी टू नाइन्टी थ्री है सो so, इसे जब सॉल्व करेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव सो दिस विल बी सिक्स ट्वेंटी फाइव 6 बाई सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टू नाइन्टी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू दी पावर टू बाय फाइव माइनस वन ना ऑल दी बेस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए uh, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपकी डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी फोर्टी सिक्स जूल आ जाएगी सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं आपका एक्स जो है उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 46 सिक्स uh, के आसपास होएगी सो इंटीजर वैल्यू 46 सिक्स वुड बी द राइट आंसर